में देखी बच्चों के शरीर को देखने के बाद बेसुध हो गई, चिल्लाने लगी, धर्मराज तोड़िए, पार्थ तोड़िए, धर्मराज तोड़िए, पार्थ तोड़िए, सबको बुलाने लगी, जल्दी आओ सभी आ रहे हैं। माता शिशु निधनम सुताना घोर परितप्यमान माता शिशु निधनम सुताना निशाम्य घोर परितप्यमान तदा कुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमाली। बेटों को मृत देख करके मां चिल्ला चिल्ला के पछाड़ मार के फिर पड़ी रोते हुए देवी उच्च स्वर में चिल्लाई, हे परमात्मा ये कौन सा अनर्थ हो गया, सबको बुला रही है। अचानक सर्वप्रथम पार्थ अर्जुन आ गए। अर्जुन जैसे ही देखे द्रौपदी की तरफ बड़े देवी द्रौपदी मूर्छित होकर उनके बाल पासों में आ गए। जो भी देख रहा है आंखों से सुपात हो रहा है कि हे प्रभु ये क्या हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव सब चारों तरफ चित्कार मच गया, हाहाकार मच गया, मानो प्रलय स्थिति बन गई। काल ने पांडवों के घर की सारी प्रसन्नता छीन ली। देवी द्रौपदी को संभालते हुए पार्थ अर्जुन कहते हैं, सुनो धैर्य रखो, धीरज धारण करो द्रौपदी, एक वचन मैं देता हूं, जिस भी पापात्मा अश्वत्थामा ने हमारे निरपराध बालकों को काटा है, उस अधम ब्राह्मण का सर जब तक मैं भी काट के ना लाऊं और तुम उस पर खड़े होकर स्नान नहीं करोगी, तब तक ये अर्जुन शांति से बैठने वाला नहीं है। तदा सुचस्ते प्रजमामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिरयात शिर आतताय तदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद् ब्रह्म बन्धो शिर आतताय अकाली शिखै रूपाहरे त्वाक्रम्य Thank you.
डांडियों को दिखाते हुए कह रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं।